तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में दिखने वाले युवक शातिर किस्म के ठग हैं। ये लोग फर्जी कॉल सेंटर के जरिए देश विदेश में ठगी का काम कर रहे थे। ये सभी शख्स इंटरनेट के जरिए पहले लोगों के कंप्यूटर या लैपटॉप आदि में पॉप्स का मैसेज भेजकर सिस्टम में वायरस होने का दावा किया करते थे और फिर खुद ही कॉल करके कस्टमर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कर्मचारी बताकर उसे ठीक कराने के लिए कहा करते थे। फिर चालाकी से पेमेंट गेटवे के जरिए अपने खातों में पैसे जमा कर लिया करते थे। गौतम बुद्ध नगर में कुल 4 थाना क्षेत्रों में 8 ऐसे कॉल सेंटर हैं जो कि फर्जी तरीके से चल रहे थे, जिसमें कार्रवाई करके कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 34 के करीब हार्ड डिस्क और 10 DVR हैं जो बरामद किए गए हैं और 8 लैपटॉप हैं जो बरामद किए गए हैं। मौके से कई चेकबुक्स और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स और इनके लेजर हैं उनको बरामद किया गया है। 1.5 लाख के करीब कैश है जो बरामद किया गया है। इसमें इनके द्वारा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो विदेशी नागरिक थे US के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के और अन्य कुछ कंट्रीज के, उनके साथ में ये ठगी की जा रही। इन शातिर लोगों का शिकार अधिकतर विदेशी हुआ करते थे और अधिकतर ऑस्ट्रेलिया व कनाडा के नागरिक थे। ठगी का शिकार हुए लोगों ने जब इसकी शिकायत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में की तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित कई देशों की पुलिस ने इस मामले की जाँच के लिए भारत सरकार से संपर्क साधा। नोएडा के SSP अजयपाल शर्मा ने मामले को गंभीरता से लिया और अलग अलग टीम बनाकर सभी कॉल सेंटरों पर जारी ठगी का भंडाफोड़ कर दिया। नोएडा से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।